Good morning students, welcome to class 3rd. This is your EVS lecture. Today we read lesson 617, direction and maps. Direction matlab hota hai disha. In our daily life we go to various places such as schools, hospital, bank, market and post office. हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, मार्केट और पोस्ट ऑफिस. वी आस्क फॉर डायरेक्शन व्हेन वी डोंट नो द वे. हम उस समय डायरेक्शन पूछते हैं जब हमें वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं पता होता. सम टाइम वी गिव डायरेक्शन टू द ड्राइवर टू टेक अस वेयर वी वांट टू गो. कभी कभी हम अपने ड्राइवर को डायरेक्शंस भी देते हैं, उसको दिशा दिखाते हैं जहाँ पर हमें जाना होता है. मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको उस स्थान का नहीं पता, तो आप किसी से भी रास्ता पूछते हो ना कि भी इस जगह जाने का रास्ता क्या है. और ऐसे ही जब आपका ड्राइवर आपको कहीं लेके जा रहा है और उसको उस रास्ते का नहीं पता, तो आप उसको बताते हो कि यहाँ से लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो. इस तरह से आप उसको अपना जहाँ आपने जाना है वो प्लेस का रास्ता बताते हो. ठीक है, अब है लैंडमार्क. लैंडमार्क्स क्या होते हैं? व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पाथ और द वे ऑफ योर नेबरहुड वी कैन मेक अस ऑफ मेजर लैंडमार्क्स. कि जब हमें अपने आसपास की जो भी जगहें होती हैं उसके रास्ते पर या उस जगह पर जाने के लिए जब हमें नहीं पता होता, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, कुछ लैंडमार्क लगाते हैं, कुछ निशानियां लगाते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए आपको अपने स्कूल आना है और आपको अभी रास्ता नहीं पता, तो आप क्या करते हो, आप अपने माइंड में लैंडमार्क बनाते हो कि हमें पहले अपने घर से निकलना है, वहाँ से सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है. इस तरीके से आप कुछ लैंडमार्क लगाते हो आते हो. बीच में अगर मान लीजिए किसी आपकी इटेबल्स शॉप आती है, तो आप उस चीज़ को याद रखते हो कि यहाँ से अगर हम लेफ्ट या राइट जाएंगे तो ये वाली शॉप आएगी. आप वो अपने दिमाग में लैंडमार्क्स बनाते हो. ठीक है, और वैसे अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमारे लैंडमार्क्स भी लगे हुए होते हैं. मान लीजिए आप देखिए, अगर आपको पानीपत से दिल्ली जाना है तो बीच बीच में लैंडमार्क्स लगे हुए होते हैं. आपने कभी देखा होगा कि बीच बीच में आपको बैरियर्स लगे हुए नज़र आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि दिल्ली तक जाने का रास्ता इतने किलोमीटर तक का है. वहाँ पे ऐसे करके कुछ साइन भी लगे होते हैं. ये वो क्या होते हैं, आपके लैंडमार्क्स होते हैं, कि आपको वो ये दर्शाते हैं कि कितनी दूर रह गया है या कितने किलोमीटर और रह गया है जहाँ आपने जाना है उसका रास्ता. द लैंडमार्क इज अ बिग स्ट्रक्चर. ये एक बिग स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ पोस्ट ऑफिस, पार्क, हॉस्पिटल, मार्केट और बिल्डिंग एक्सेट्रा. वाइल द हेल्प ऑफ विच इट इज ईजी टू लोकेट अ प्लेस. जो आपको ये जानने में मदद करता है कि आपको यहाँ जहाँ भी जाना है उस स्थान पर जाने की लोकेशन को दर्शाता है. द बेस्ट वे टू रीच अ प्लेस इज अ रिमेंबर दीज लैंडमार्क. और आपको किसी स्थान पर जाने के लिए, जिस स्थान पर आपको जाना है उस स्थान पर पहुँचने के लिए ये लैंडमार्क बहुत याद रखने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं. दीज आर ऑल्सो गाइडिंग बोर्ड टू हेल्प अस. ये एक गाइडिंग बोर्ड के रूप में भी लगे हो सकते हैं. वी कैन फॉलो द एरोज. हमें सिर्फ उन एरोज को, मैंने भी आपको बताया था ऐसे एरो लगे होते हैं, कहीं यू टर्न में एरो लगे होते हैं, कहीं पे ऐसे लेफ्ट की तरफ, कहीं पे राइट की तरफ, इस तरीके से एरो लगे होते हैं. ये जो एरो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस लोकेशन की तरफ जाना है. नेक्स्ट है डायरेक्शन. डायरेक्शंस क्या होती हैं, दिशाएं. टू रीच एट एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द फोर मेन डायरेक्शन. कि हमें चार दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. एज वी नो द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. हमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन कहाँ से राइज होता है, पूर्व दिशा से, एंड सेट इन द वेस्ट, और कहाँ पर अस्त होता है, पश्चिम में. इफ You stand facing the rising sun, you are facing east. अगर आप जहाँ से सन उगता है, जहाँ से सूरज निकलता है, वहाँ पे फेस करके खड़े होते हैं, तो वो कौन सी दिशा होती है, पूर्व. एंड योर बैक इज टूवार्ड द वेस्ट. और आपके जो पीछे होता है, फेस से पीछे की साइड, आपका जो पिछला हिस्सा होता है वो किधर की तरफ होता है, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ. योर राइट हैंड पॉइंटिंग टू द साउथ. और आपका जो राइट
राइट हैंड है वो साउथ की तरफ पॉइंट होता है और योर लेफ्ट हैंड पॉइंट इन टू नॉर्थ, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो नॉर्थ की तरफ। देखिए जैसे इस फिगर में आपको दिखा रखा है, ये एक चाइल्ड है, देखिए यहाँ पे सन दिख रहा है आपको, ये कौन सी साइड है, राइट सॉरी ये है ईस्ट साइड, और बच्चे के पीछे वाली दिशा क्या होगी, ये वाली साइड क्या होगी, वेस्ट, और जो उसका राइट हैंड है वो किधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, साउथ की तरफ, और ये जो लेफ्ट हैंड है वो किधर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।